नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव ने शनि के लिए शिव जी के पैर पकड़े थे? जी हाँ, पिता सूर्य ने पुत्र शनि के लिए भगवान शिव के पैर पकड़े। आप जानते ही होंगे कि शनि बहुत शरारती हैं और इसी शरारत के चलते उन्होंने शिव जी पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव और शनि के बीच युद्ध आरंभ हो गया, तो शनि देव ने भगवान शिव के समस्त शिवगण जैसे नंदी, वीरभद्र, मणिभद्र सबको बंदी बना लिया। अब इस बात से शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अमोघ त्रिशूल को शनि पर दे मारा, जिससे भयभीत होकर शनि शून्य में चले गए, शून्य यानी स्पेस। लेकिन शरारती तो वो थे ही थे। जाते जाते उन्होंने फिर भी अपनी तिरछी नजर यानी कि दृष्टि शिव जी पर दे मारी, जिससे शिव जी को और क्रोध आ गया। वो क्रोधित हो गए और इस क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुलने लगा। अब यदि ये तीसरा नेत्र खुल जाता तो सृष्टि का नाश हो जाता तथा यह शनि पर भी बहुत ही भारी पड़ता। अतएव पुत्र मोह में सूर्यदेव को भगवान शिव के समक्ष जाकर अपने पुत्र शनि के जीवन की याचना करनी पड़ी तथा उन्होंने यह भी कहा कि वह हमेशा शिव भगवान के दास बनकर रहेंगे और इसका उन्होंने संकल्प लिया। तब जाकर कहीं शनिदेव की जान बच पाई। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको ये पता चलता है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि जो है कुछ खेल खेल रहे हैं। शनि अपनी दशाओं में, अपनी अंतर दशाओं के अंदर शनि जो है ट्रांजिट यानी गोचर के कारण, शनि जो है अपनी प्लेसमेंट के कारण आपकी कुंडली के अंदर कोई परेशानी किए हुए हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपाय तो आपके पास है, जो सूर्यदेव ने किया था कि तुरंत ही आपको जाना होगा किसके पास? शिव भगवान के पास। वहां पर आराधना करनी होगी। जैसे ही आप वहां आराधना करेंगे तो शनि जी जो भी प्रचंड काम कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर वो काबू में आ जाएगा। वैसे भी नित्य रूप से भगवान शिव की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। यदि आप नित्य नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन अवश्य कीजिए, मंदिर जाया करिए, वहां पर जल से अभिषेक किया करिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो? मैं आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूं। यदि आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इससे आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।